दोस्तों मैं आज आपको श्री निरंजन स्वामी के मंदिर के बारे में बताऊंगा, जो कि यह काफ़ी प्रसिद्ध है। यह पूरे भारत में काफ़ी विख्यात है। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, अपना शीर्ष नमन करते हैं और अपने मन्नतें को सामने रखते हैं बाबा के सामने। और लोग कहते हैं कि सभी के मन्नत यहाँ पे पूरा होते हैं। तो दोस्तों, श्री निरंजन स्वामी का मंदिर बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड में धमोन ग्राम में स्थित है। दोस्तों, यह निरंजन स्वामी का मुख्य द्वार है। इससे होकर लोग अंदर की ओर जाते हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले अपने पैर को नगन करते हैं। कहने का मतलब, अपने जूता चप्पल को उतार कर पैर धोकर सीढ़ियों पर अपना हाथ झुका के अंदर की ओर प्रवेश करते हैं और बाबा निरंजन स्वामी के सामने जाकर शीश नमन करते हैं और जो उनके मन में व्यथा चल रही है उनसे कहते हैं और उनसे निदान करने की गुहार लगाते हैं। कुछ क्षणों तक उनके सामने में खड़ा रहते हैं और कुछ क्षणों के बाद वो परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, ये है श्री निरंजन स्वामी का मुख्य द्वार, जो अभी बंद है। और क्योंकि यह अभी इसलिए बंद है कि मैं इस सवेरे काल में इस वीडियो का शूटिंग कर रहा हूँ और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं कलाकार ग्रुप के माध्यम से देख रहे हैं और जिसका कैमरा रोलिंग का काम किए हैं चंदन चार्ले जी ने और मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ उस्ताद भास्कर। तो देख रहे हैं कि एक बूढ़े व्यक्ति किस तरह से श्री निरंजन स्वामी के सामने आए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। दोस्तों, यह श्री निरंजन स्वामी का मुख्य द्वार है जहाँ से लोग अंदर प्रवेश करते हैं। और ये बाहर का नज़ारा, ये कल और नल देख रहे हैं। लोग यहाँ पर अपना पैर धोते हैं और पैर धो के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, कल तो अब आ गया है, इससे पहले यहाँ पर एक कुआं था जिससे पहले लोग उसमें अपना पैर धोते थे पानी निकाल कर। और ये देख रहे हैं, ये मुख्य द्वार है और बाहर का नज़ारा जो काफ़ी सुंदर। और दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ये चबूतरा है। यहाँ पर किसी प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है तो यहीं से संचालन किया जाता है। दोस्तों, यह देख रहे हैं जो परिक्रमा के वक्त घूमते हैं, यहीं से लोग पांच फेरा करते हैं इस मंदिर में, जिसे परिक्रमा भी कहा जाता है। और श्री निरंजन स्वामी को प्रसाद जो चढ़ाया जाता है वो चीनी का लड्डू, जो काफ़ी सस्तों में मिल जाता है मार्केटों में। और लोग कहते हैं कि भगवान इनसे ही खुश हो जाते हैं। दोस्तों, तो यहीं से पंचकर्मा करते हैं। ये जो देख रहे हैं पंचकर्मा करते वक्त का चारों बगल का ये सीन था। अब आएंगे वहीं पे सिर्फ जहां निरंजन स्वामी का मुख्य द्वार है। तो एक परिक्रमा हम आपको दिखाए, लेकिन लोग यहाँ पे पांच परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करके वहाँ पे सिर नमन करके पीछे की तरफ आते हैं और यहाँ पर फिर से प्रणाम करके और यहीं रखी हुई राख से अपना तिलक करते हैं अपने सर पर। और सर पर तिलक करने के बाद लोग यहाँ से निकल जाते हैं। जिस कुआं के हम बात कर रहे थे पिछले सीनों में, यह कुआं यह है। लोग पहले इसी से पैर धोते थे पानी निकालकर। तो दोस्तों, अब दिखाते हैं विस्तार रूप से चारों बगल का सीन निरंजन स्वामी के अंदर की। दोस्तों, इस मंदिर में महान से महान बड़े बड़े आदमी आए, जैसे कि पप्पू यादव, महान गीतकार
विनय बिहारी से लेकर सुशील मोदी तक, लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती इत्यादि लोग यहाँ पर अपना सरनमन किए हैं। लोग कहते हैं कि अधिकतर यहाँ से राजनीतिक दल का शुरुआत है। ये जो देख रहे हैं श्री नरेंद्र स्वामी का बोर्ड और ऊपर लगा हाइलोजन, जो मेन गेट है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इस मंदिर का निर्माण 1958 में शुरू किया गया था और लगभग यह 1986 में ख़त्म हो गया था। दोस्तों यह देखिए बाहर का सीन जो काफ़ी सुंदर और नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं। और ये देख रहे हैं हम चौखंडी की ओर जा रहे हैं जहाँ पर अष्टयाम का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। और आप देख रहे हैं इस तिरंगे को यहाँ पर 26 जनवरी और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर झंडा उत्तोलन का काम किया जाता है यहाँ पे। और बड़े वरिष्ठ वरिष्ठ लोग यहाँ पर आते हैं। और ये भक्तगण आके रुकते हैं और यहीं पे अपना विश्राम का जगह बनाते हैं। दोस्तों ऐसे कहा जाता है कि नरेंद्र स्वामी का स्थापना दिवस 11 मार्च का है और इसी दिन अष्टयाम का आयोजन किया जाता है जो इसी मंडप यानी कि इसी चौखंडी में किया जाता है। और श्री नरेंद्र स्वामी के प्रांगण में हर साल महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, जैसे कि गीता जयंती और राम कथा, भागवत कथा इत्यादि। और यह इसी में एक और मंदिर है इस नरेंद्र स्वामी के प्रांगण में जो कि श्री गोवर्धन भगवान का यानी कि श्री कृष्ण और राधा जी का है, जिसको दिखा रहे हैं उसमें एक पत्थर का मूर्ति है। दोस्तों धमोण गांव जो काफ़ी विशाल है, लोग धमोण को आदरणीय नज़र से देखते हैं और इसको महादेश भी कहा जाता है। देखिए श्री कृष्ण भगवान का यह मंदिर। ये मुख्य द्वार अभी काम चल रहा है, बना नहीं है, अभी इसका काम चालू है। जो बताया जाता है इसका लागत लगभग 10 लाख के है और काफ़ी विशाल बनाया जाएगा। और ये जो देख रहे हैं श्री नरेंद्र स्वामी के आगे का मुख्य चौक है, यहाँ एक